नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान में, जहां पर हम लेकर आए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, डीसी जनरेटर पे। आपका ये वीडियो होने वाला है पार्ट वन। डीसी जनरेटर का पार्ट वन लेकर मैं आ गया हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से। दोस्तों, यूपीपीसीएल हो, डीआरडीओ हो, मेट्रो हो, एनटीपीसी हो, यूपीआरवीएनएल हो, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कर रहे हैं तैयारी गवर्नमेंट जॉब का, तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए पर डे लेकर आते रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस आ चुकी हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नंबर वन क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत बहाल पर जनित करने में असमर्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो जनरेटर होता है उसमें ऐसे कौन सी कमी आ जाती है कि वो ईएमएफ को जनरेट करने में असमर्थ हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई हो, घूर्णन की दिशा रॉन्ग हो, गलत हो, क्षेत्र मतलब फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है, क्षेत्र प्रतिरोध होता है, क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है उसे ज़रूर कमेंट करके बताइए, देन हमारे आंसर पे आइए। और यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अपना वहाँ पे अपना राइट आंसर चूज़ कर लीजिए, तब हम आपको आंसर बताएंगे, तो आप आके यहाँ से अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए बात करते हैं राइट आंसर का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर डी, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो तीनों हैं, तीनों अपने में बिल्कुल सही आंसर हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डीसी जनरेटर में, डीसी जनित्र में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। देखिए, यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, फोर और एट दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की बात हो रही है, फील्ड पोल का न्यूनतम संख्या की बात हो रही है ना। तो जो न्यूनतम संख्या होती है भाई, वो क्या होती है, वो होती है टू। ठीक है, और यदि मैक्सिमम संख्या की बात करें, अधिकतम संख्या की बात करें, वो होता है एट। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूनतम संख्या टू होती है, तो नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र के, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं भाई, फील्ड पोल। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कास्ट स्टील के, माइका के, ताबा के और जस्ता के। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। और यदि यहाँ पे हम बात करें राइट आंसर का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि ये और किससे बना होता है, देखिए ये जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसका जो फील्ड पोल्स होते हैं वो कास्ट स्टील और किसके बने होते हैं, एनील्ड स्टील के बने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का कि आर्मेचर कोर के लिमिटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। आर्मेचर का कोर जो है, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम हो जाती है, कौन सा हानि, कौन से लॉसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन बी है आयरन लॉसेस, ऑप्शन सी है मैकेनिकल लॉसेस और उपरोक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर की हम बात करें, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर ए होगा। आर्मेचर कोर को जब हम लेमिनेट करते हैं तो उससे क्या होता है, एडी करंट लॉसेस तथा हिस्टेरेसिस लॉसेस। जी हाँ, एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। वो है कि आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं। देखिए, जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें स्लॉट कटे होते हैं ना, नंबर ऑफ स्लॉटेड होते हैं, तो क्यों कटे होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, आर्मेचर को घूमने में आसानी होगी, आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए, माइका भरने के लिए, इनमें से कोई नहीं। यदि आप राइट आंसर जानते हो तो प्लीज़ तुरंत राइट आंसर कमेंट कर दीजिए हमें, और हम चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइट आंसर का। तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, आर्मेचर क्वायल स्थापित करने के लिए क्या होते हैं, आर्मेचर्स में क्वायल के स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि फोर पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होती। बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ए है 2, बी है 4, सी है 8 और डी है 16। तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। यदि आप राइट आंसर की बात करें तो यहाँ का इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए होगा। दो पोल्स जो यहाँ पे क्या होंगे, दो फोर पोल वाले वेव बाउंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, समांतर जो पथ हैं क्या होगा, संख्या दो होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसमें जो करंट जनरेट होता है किसके द्वारा बाहर परिपथ, जो बाहरी सर्किट लगे होते हैं उनमें किसके द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन क्या है, ब्रश के द्वारा, आर्मेचर के द्वारा, दिक् परिवर्तक के द्वारा, फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, और देखिए कमेंट करना मत भूलिएगा। आप यदि चैनल पे आए हैं तो अपना इंगेजमेंट बना के रखिए हमारे साथ, बिल्कुल अपना टाइम दीजिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी वीडियो आते हैं, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। एग्जामिनेशन में आया हुआ ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो ठीक है। तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर पता है तो कमेंट तुरंत करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइट आंसर का। तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रश के द्वारा क्या होता है, करंट बाहरी परिपथ में भेजा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा क्या होगी। जो हमारा डीसी जनरेटर है उसके घूर्णन की दिशा क्या करें, चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें, तो करंट का जो प्रवाह है उसकी दिशा क्या हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन है, समान रहेगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तित होगा, एसी हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं होगा। अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए भाई साहब। यदि हम बात करें राइट आंसर का तो वो क्या होगा, नंबर बी होगा। क्या होगा, करंट प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, यदि हम जनरेटर के घूर्णन की दिशा क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। जो हमारा डायनेमो होता है उसमें कौन सी उत्तेजना प्रणाली, मतलब उत्तेजना सिस्टम होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, पृथक उत्तेजित, अस्थाई, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। बात करें राइट आंसर का तो नंबर बी, जी हाँ, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक जो है सिस्टम यहाँ पे डायनेमो में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है। बात को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है उसमें कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी संट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, इसमें से कोई नहीं। यदि हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डीसी संट जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त करके एक एक भाग को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनरेटर क्या कहलाता है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को, किसको, फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दो भागों में। ठीक है,
और एक एक को, देखिए एक को श्रेणी में और एक को समांतर में जोड़ दिया जाता है, तो वह जनित्र वो जो जनरेटर मिल हमें बन बनकर हमारे सामने आता है वो कौन सा जनरेटर होता है? डीसी सीरीज जनरेटर होता है, डीसी संट जनरेटर होता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख के ही आंसर को चूज कर सकते हैं, अपना आंसर राइट आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी और समांतर क्रम में क्या कर रहे हैं, विभक्त कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं ना। तो श्रेणी और समांतर दो यदि वहाँ पे मतलब मिक्सर हो जा रहा है, इसका मतलब कंपाउंड होगा, मतलब दोनों कंपाउंड में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, डीसी कंपाउंड जनरेटर होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ठीक है यहाँ पे क्या है, डीसी कंपाउंड जनरेटर में ईएमएफ, जो हमारा ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि केवल फुल लोड पर, केवल नो लोड पर, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर, और कभी नहीं। अपना राइट आंसर बिल्कुल चूज करिए, वीडियो को पुश कीजिए, अपना राइट आंसर दीजिए, देन हमारे आंसर पे आइए। तो ये भी हम बात करें राइट आंसर का, तो वो होगा नंबर सी, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कहाँ, डीसी कंपाउंड जनरेटर में। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि लेथ मशीन में किस जनित्र का उपयोग किया जाता है, जो मैकेनिकल लैब्स में या मैकेनिकल वर्क के लिए लेथ मशीन यूज की जाती है, तो उसमें कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डीसी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइट आंसर का। तो यहाँ पे नंबर डी राइट आंसर होगा, कम्यूलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, लेथ मशीन में उपयोग किया जाता है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि चुंबकीय परिपथ के चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई वैद्युत क्षति कहलाती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एडी करंट लॉसेस है, हिस्टेरेसिस लॉसेस है, आयरन लॉसेस है और मैकेनिकल लॉसेस है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के बार बार चुंबकित और विचुंब, देखिए एक बार चुंबक बन रहा है फिर से वो विचुंबकित हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन से लॉसेस होते हैं, ठीक है उसी की बात कर रहा है। तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, बात कर रहे राइट आंसर का, तो वो क्या होगा, नंबर बी राइट आंसर होगा, हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं इस कंडीशन में। ठीक है चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्न में से कौन सा समीकरण, कौन सा इक्वेशन डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, क्या है ऑप्शन है कि इज इक्वल टू फाइव जेड अपॉन पी सॉरी इज इक्वल टू फाइव जेड अपॉन 60, इज इक्वल टू जेड पी एन अपॉन 16 फाइव ए, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, फाइव जेड एन पी अपॉन 60 ए, और क्या है फाइव जेड एन पी अपॉन 160 ए। ठीक है तो यहाँ पे अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए, बिल्कुल सही यहाँ पे जवाब आपको देना है, कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों। ठीक है तो राइट आंसर की यदि बात करें तो वो क्या होगा, सी आंसर सही होगा, जेड फाइव जेड एन पी अपॉन 60 होगा। ठीक है फाइ क्या है, फ्लक्सेस हैं, जेड यहाँ पे क्या है, ठीक है आपको ये भी यहाँ पे बताना है। ठीक है कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, यदि यहाँ पे बात करें कि क्या क्या कौन कौन से टर्म्स हैं यहाँ पे, क्या क्या मतलब यहाँ पे जेड क्या है, एन क्या है, पी क्या है, तो देखिए यहाँ पे ई क्या है, ई हमारा है जनित्र द्वारा ईएमएफ है, ये किस में होता है, बोल्ट में होता है। फाइ क्या है, फाइ क्या है हमारा, वो है आपका फ्लक्स है जो कि वेबर में होता है। ठीक है जेड क्या है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या है ना, जेड क्या है आर्मेचर कंडक्टर के नंबर है, ठीक है आर्मेचर कंडक्टर का संख्या है। ठीक है एन क्या है, आर्मेचर के घूर्णन गति आरपीएम में मापा जाता है इसे, एन क्या है, ये क्या है घूर्णन गति है। ठीक है और
पी क्या है, वो है पोल्स की संख्या है पी, ठीक है। और ए क्या है, ये क्या है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पैरेलल पथों की संख्या है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 2, 8, 6 और 16, अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। बात करें राइट आंसर का तो वो क्या होगा, बी होगा, 8 समांतर पथों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्न किन तत्वों पर जनरेटर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न दिए हुए किन तथ्यों पर जनरेटर का ईएमएफ निर्भर करता है, विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, ध्रुवों की संख्या पे, गति पे, कंडक्टर की संख्या पे, उपरोक्त तीनों। तो अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो नंबर डी होगा, जी हाँ, ये तीनों जो हैं, ध्रुवों की संख्या, गति और चालकों की संख्या, ये इन तीनों पर जनरेटर का विद्युत वाहक बल क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर धारा ज्ञात होती है ना। आर्मेचर करंट की बात हो रही है कि जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट पता करने के लिए इसमें से कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, अपना राइट आंसर चूज करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा, आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि डीसी जनरेटर की दक्षता, डीसी जनरेटर का क्या एफिशिएंसी कितनी होती है, 60% से 80% तक, 10% से 30% तक, 85% से 95% तक और 100% तक। तो दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट तुरंत करिए। और बात करें राइट आंसर का तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर नंबर सी होगा, 85% से 95% तक क्या होते हैं, जनरेटर की एफिशिएंसी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है डीसी शंट, डीसी सीरीज, डिफरेंशियल कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड। तो यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लीजिए। यदि आप राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर नंबर डी होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड क्या होता है, लेथ मशीन में यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और हम कोशिश करते रहते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आए रहते हैं हम आप तक प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ही जाएँ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।